दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं हनीकॉम रिपेयर के बारे में। जैसे कि मेरी कल की वीडियो थी, अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से जाकर के कल की वीडियो देखिए, जिसका लिंक आपको आई बटन में और दोस्तों वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। ये वीडियो देखिएगा ज़रूर दोस्तों, उसके बिना आपकी ये वीडियो रह जाएगी अधूरी, जिसमें मैंने हनीकॉम के बारे में बहुत सारी डिटेलिंग से आपको बताया है। और आज भी मैं जो आपको बताने वाला हूँ हनीकॉम के बारे में इस वीडियो में, कि कैसे होता है हनीकॉम और उसको रिपेयर कैसे किया जाए, इन सभी बातों पर टॉपिक्स पर हम आज कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं हूं अंशु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अंशु क्रिएटिव। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से लाल कलर बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर नोटिफिकेशन बेल बजाएंगे तो इसी तरह हमारी सिविल साइट से जुड़ी हुई, आर्किटेक्चर से जुड़ी हुई जो भी नॉलेज है दोस्तों, वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। अब बात कर लेते हैं हनीकॉम के रिपेयर वर्क के बारे में। आखिर हनीकॉम होता क्या है, अगर आपने ये पिक्चर देख रहे हो तो ये ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, इस तरह का कुछ हनीकॉम होता है। इसमें कहीं पे हल्का होता है, कहीं पे ज्यादा होता है, बस यही फर्क होता है। कई प्रकार के हनीकॉम होते हैं, कहीं पे बहुत ही हल्का होता है और कहीं पे थोड़ा ज्यादा होता है। इसमें सिर्फ आपको रोड़ी दिखाई देगी अलग से, आपको कहीं पे आपको इतना ज्यादा हनीकॉम दिखाई देगा, इसमें आपको रेनफोर्समेंट दिखाई देगा, आपको 1.5 इंच तक का गहरा दिखाई देगा, रेनफोर्समेंट के साथ साथ आपको बाइंडिंग वायर्स तक दिखाई देंगे उसमें। तो दोस्तों इन सभी कंडीशन में जिसमें वो बिल्कुल ही हल्का है, वो एक बार को आपका चल सकता है वहां पे हनीकॉम, बिना रिपेयर वर्क किए भी चल सकता है। मगर ये जो सबसे लास्ट वाला कंडीशन आता है हनीकॉम का, जिसमें कि आपका बहुत ज्यादा हनीकॉम है, जिसमें आपका स्टील दिख रहा है, एनफोर्समेंट दिख रहा है, ये हनीकॉम किसी भी उससे नहीं चल सकता है। यहां आपका रिपेयर वर्क मांगता है और रिपेयर वर्क करना ही पड़ेगा आपको। और ये नहीं कि काम चलाऊ, आपने कोई भी नॉर्मल मसाला बनाया और पोत दिया, वो आपका टेम्परेरी आपको दिखाने के लिए, छिपाने के लिए तो हो गया कि भैया आपका हनीकॉम छिप गया है, आपका अपने अपने मालिक से छिपा लिया, या फिर अपना घर बनाया तो किसे छिपाओगे आप? तब तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि तब आपका अगर ध्यान, तब अगर आप इधर उधर करते हो तो दोस्तों ऐसे में आपके कॉलम्स रह जाएंगे कमजोर, ऐसे में आपका छत रह जाएगा कमजोर। और अगर इस तरह का जिसमें रेनफोर्समेंट दिख रहा है हनीकॉम, इस तरह का हनीकॉम को आप इग्नोर करते हो तो ऐसे में आप अगर छत पे ऐसा हनीकॉम है जिसमें आपका रेनफोर्समेंट दिख रहा है, अगर वहां इग्नोर करके वहां पे आपने मोटा मोटी रिपेयर कर दिया तो दोस्तों वो कुछ टाइम तो काम करेगा। ये नहीं कहता वो काम नहीं करेगा, बिल्कुल भी काम करेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद वहां से लीकेज करने लग जाएगा, वहां पे रेनफोर्समेंट वहां खराब होने लग जाएगा, वहां सरिया खराब होने लग जाएगा। इस हिसाब से आपका अगर वो कॉलम में है तो कॉलम का रेनफोर्समेंट खराब होने लग जाएगा। अगर सोचिए दोस्तों कॉलम का फेलियर कितना एक बिल्डिंग के लिए, एक मकान के लिए कितना खतरनाक है। ऐसे ही अगर ये फेलियर आपके छत का फेलियर है तो उसके बाद छत में अगर वो अगर हनीकॉम है तो उसका स्टील अगर खराब होता है तो कैसे कितना ज्यादा छत के लिए, आपके घर के लाइफ के लिए कितना ज्यादा खराब है। तो यहाँ पे आपको हनीकॉम को रिपेयर कैसे करेंगे, हनीकॉम होने के कारण तो दोस्तों बहुत सारे हैं, जैसे कि मसाले में ज्यादा पानी डल जाना, कम पानी डल जाना, दोनों ही कारणों से हनीकॉम होता है। अगर आपने ज्यादा पानी डाल दिया आपने तो ऐसे में वाइब्रेटर मारा जा रहा, अगर स्लेरी बह गई मतलब सीमेंट का घोल जो है मसाले में से, जो मोर्टार में से अगर बह गया तो आपका हनीकॉम आएगा। और अगर आपने ज्यादा मोटा मसाला दे दिया है, मतलब कि पानी कम मिलाया मसाले में, तो ऐसे कंडीशन में अगर वाइब्रेशन ढंग से हो नहीं हुआ, काफी बार अगर पानी कम दिया हो तो वाइब्रेशन होने के वाइब्रेटर देने के बावजूद हनीकॉम आ जाता है और ऐसे में बहुत खतरनाक हो सकता है, तो इसका भी ध्यान रखें। तो मतलब कि प्रॉपर यहाँ पे आप प्रॉपर मिक्सिंग कराएं, यहाँ पे ना पानी ज्यादा हो, ना सीमेंट ज्यादा हो, ना डस्ट ज्यादा हो, ना रोड़ी ज्यादा हो, तो ये इन बातों का भी ध्यान, बहुत ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि काफी बार होता है कि आपका रोड़ी ज्यादा हो गई, काफी बार डस्ट ज्यादा हो गई, तो ऐसे कंडीशन में भी हनीकॉम आने के चांसेस होते हैं। काफी कंडीशन वो भी होती है जहां पे आपका एग्रीगेट का प्रॉपर साइज नहीं होता है, मतलब कोई 20 mm हो गया, कोई 12 mm हो गया, कोई 40 mm हो गया, कोई 35 mm हो गया, मतलब एग्रीगेट का प्रॉपर साइज ही नहीं है वहां पे, तो ऐसे में भी आपका हनीकॉम आने का चांसेस है। हनीकॉम आने के बहुत से कारण हो सकते हैं दोस्तों, ऐसे में आपका प्रॉपर फॉर्म वर्क ना हो तो भी हनीकॉम आ सकता है, मतलब कि अगर शटरिंग में आपका प्रॉपर फॉर्मवर्क नहीं है तो वहां से अगर स्लेरी बह जाती है तो भी हनीकॉम आ सकता है। अगर आपने बहुत ऊंचाई से अपना कंक्रीट गिराया है तो भी आपका हनीकॉम आ सकता है। ऊंचाई से गिराने पे क्यों, क्योंकि काफी बार होता है आप ऊंचाई से गिराते हो कॉन्क्रीट को तो वहां पर उसकी बॉन्डिंग खत्म हो जाती है, तो ऐसे कारण में भी वहां पर हनीकॉम आ सकता है। अब इसको रिपेयर कैसे करें, सबसे बड़ी बात यह है हमारे पास, जहां हल्के फुल्के हैं दोस्तों आपके, जहां पे आपका हल्का फुल्का छोटा मोटा रिपेयर से काम चल सकता है, जैसे कि
छोटा मोटा रिपेयर जैसे कि काम चल सकता है यहाँ पे, मतलब जैसे कि जहाँ पे आपका सीधी बात है आपका रेनफोर्समेंट नहीं दिख रहा है, नॉर्मल है, हल्का फुल्का है, वहाँ पे आप एक अच्छा मोटार का तेज मसाला जिसमें कि एक टीन का रेशियो हो सकता है, एक सीमेंट टीन डस्ट का रेशियो हो सकता है, इस रेशियो के हिसाब से बनाएं और प्रॉपर ढंग से वहाँ पे कराएं। और एक बात और ध्यान रखें, यहाँ पे आप क्योरिंग का जब प्रिपेयर करवाएं तो उसके ऊपर क्योरिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। अगर क्योरिंग का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये कुछ टाइम के बाद वहाँ से फट जाएगा और अलग ही, अगर सूखने के बाद, कॉलम सूखने के बाद आपको अलग से ही दिखाई देगा वो रिपेयर वर्क। जब वो रिपेयर वर्क अलग से दिखाई देगा तो बहुत ही भद्दा, बहुत ही गंदा लगता है वहाँ पे। अगर क्लाइंट या आपके कोई भी देखेगा तो वो बहुत ही साफ पता लगता है कि वहाँ पे रिपेयर वर्क किया गया है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप मसाला तेज यूज करते हो तो वहाँ पे ढंग से सफाई के साथ उसको रिपेयर कीजिए और तराई का प्रॉपर ध्यान, क्योरिंग का प्रॉपर ध्यान रखिए। हाँ, यहाँ में मैं एक कंडीशन और आ जाता हूँ दोस्तों, ग्राउटिंग कराते हैं, मतलब कि अगर आपके पास कुछ ज़्यादा ही बड़ी मात्रा में वो हनीकॉम आ रखी है दोस्तों, हनीकॉम बहुत ज़्यादा, मतलब जहाँ पे आपको रेनफोर्समेंट दिखाई दे रही है, कुछ इस तरह से रेनफोर्समेंट दिखाई, जिसमें आपको स्टील दिखाई दे रहा है, प्रॉपर गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, रेनफोर्समेंट का आपको बाइंडिंग वायर झलक रहा है, तो यहाँ पे ये कंडीशन आपका टिपिकल कंडीशन आ जाता है। इस कंडीशन में आप बहुत से वेज देख सकते हो, यहाँ पे आप पहले प्रॉपरली वो उस जगह की सफाई करवाइए दोस्तों, वहाँ पे प्रॉपर उसको सफाई कीजिए, जो लोहे का ब्रश होता है, लोहे के तार का ब्रश, उस ब्रश से उसको ढंग से घिस के सफाई कीजिए और वहाँ पे पानी मारिए, और पानी मारने का वहाँ स्लेरी मारिए। बहुत सारे ग्राउटिंग करने के आजकल केमिकल्स उपलब्ध हैं आपके सीमेंट के साथ, वो मिला के वहाँ पे ग्राउटिंग कीजिए, ये एक मेथड है। अब यहाँ पे मैं कई बार आपका आ जाता है कि ये हनीकॉम की वजह से काफ़ी बार कॉलम फेलियर आ जाता है आपके, जहाँ आपने छत डाल दिए हैं, छत डाल दिया है तो वहाँ पे क्या किया जाए। तो अगर आपका कॉलम का फेलियर ऐसे में आता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक बात है, ये आना तो नहीं चाहिए, अगर मगर आ चुका है तो ऐसे कंडीशन में रिवायरिंग एक सबसे अच्छा उपाय बचता है। रिवायरिंग करने का, मैंने रिवायरिंग कैसे करते हैं मैंने उसकी वीडियो अभी अपने चैनल पर डाल रखी है, रिवायरिंग का आप देख सकते हो। रिवायरिंग का मतलब है कि आप स्टील, प्रॉपर स्टील को रिवायर कीजिए सिलेंडर में या फिर फुटिंग में या फिर फाउंडेशन में रिवायर करके, फिर उसकी कॉलम जो कॉलम फेलियर हो रहा है उसके चारों तरफ से प्रॉपर तरीके से फिर से कॉलम बनाइए और वहां पे उसको कास्ट कीजिए उस कॉलम को दोबारा से। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करें तो आपको मकान में प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर ये कॉलम कास्ट कर देते हैं तो हो सकता है कॉलम को एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिल जाएगी, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिलने की वजह से आपके कॉलम की और आपके घर की लाइफ बढ़ जाए। दोस्तों यहां मैंने लगभग सब कुछ कवर करने की कोशिश की है, कुछ भी रहा हो, आपको किसी भी चीज के बारे में पूछनी हो, रिवायरिंग के बारे में पूछनी हो, जिस भी चीज के बारे में पूछनी हो आप पूछ सकते हैं। यहां मैं दोस्तों एक बात यहां पे और कवर करना चाहूंगा, ध्यान से आपको कहना चाहूंगा, काफी बार क्या होता है कि ये हनीकॉम को आप प्लस्तर से कवर कर देते हो, प्लस्तर के मसाले से कवर कर देते हो, नॉर्मल एक सीमेंट लगा के उसको कवर कर देते हो, यहां पर ये चीजें बहुत आप ध्यान रखिएगा कि खासकर प्लस्तर के मसाले से तो नहीं कीजिएगा, ये कुछ टाइम तक काम करेगा उसके बाद आपका झड़ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आई थिंक रही बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल, कैसी रही ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के आप जरूर बताएं, और अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें दोस्तों, एक लाइक की हमें बहुत ज़्यादा आशा रहती है, अच्छी अगर लाइक करते हो तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और दोस्तों जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दोस्तों, सब हमें हमारे लिए आपका एक एक सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मोटिवेशन देता है, और हम इसी तरह से और मेहनत करते रहेंगे और आप तक बहुत अच्छी और नॉलेजफुल वीडियो लाते रहेंगे। चलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत, मिलता हूं अगली वीडियो में और नॉलेजफुल वीडियो।